ये है सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता और हम जा रहे हैं यहाँ से बैंकॉक। आज 2 घंटा 15 मिनट की उड़ान के बाद हम बैंकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच गए और हम जा रहे हैं वीज़ा एंड अराइवल लेने के लिए। तो वीज़ा एंड अराइवल के लिए हमें पे करना पड़ेगा 2000 बाट और भरना पड़ेगा एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा जो कि हम इंडिया से ही भर के लेके आए हैं और हमें 200 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा क्योंकि हम फास्ट ट्रैक लेंगे, फास्ट ट्रैक वाला जल्दी से मिल जाता है वीज़ा, बाकी नॉर्मल वाले में थोड़ा सा वक्त लगता है। यह डॉन मुंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंकॉक और यहाँ पर हम जा रहे हैं फुकेट। हमारी फ्लाइट है एयर एशिया की और तकरीबन 1.25 घंटे की उड़ान के बाद हम पहुँचेंगे फुकेट और उसके बाद हम जाएंगे पीपी आइलैंड। यह टिकट पड़ा है हमें तकरीबन 3000 इंडियन रुपये में और वैसे और अगर पहले हम बुकिंग करेंगे तो शायद ये 2000 से लेकर 2500 के बीच में इंडियन रुपये में टिकट मिल सकता था। हम लोग यहाँ फुकेट आ गए तो करीब 1 घंटा 30 मिनट की जर्नी थी हमारी और अब यहाँ से हम जा रहे हैं रसाड़ा पियर, वहाँ से हमें मिलेगी एक फेरी और हमने उसके लिए टिकट यहाँ से ले रखा है, अंदर से ही ले रखा है काउंटर से, टैक्सी प्लस फेरी। तो टैक्सी तो का उन्होंने फुल टैक्सी का तो 700 बाट लिया है पियर तक का, फुकेट पियर तक का, और फेरी का लिया उन्होंने 500 बाट पर पर्सन के हिसाब से। अभी यहाँ से हम तकरीबन 30 किलोमीटर के आसपास पियर पड़ता है रसाड़ा पियर और वहाँ से फिर फेरी तकरीबन जो है 56 किलोमीटर फेरी से जाएंगे हम लोग आइलैंड पे पीपी।
पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हमारी जो है फेरी है और कॉफ़ी फी के लिए, तो हमें बोर्डिंग कार्ड वाला मिल गया है, तो 10:30 बजे हमारी फेरी है, 10:30 बजे हम फेरी पे बोर्ड करेंगे।